everyone. This is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका डेली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका आज का दिन यानी कि 17th of June 2024 आपके लिए कैसा रहे। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हमारी पहली राशि जो है यानी कि मेष राशि। कार्ड्स आपके लिए आए हैं 5 of Wands एंड 10 of Swords। ओह माय गॉड एरीज, मतलब काफी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। आज का दिन खास करके मैं बोल सकती हूँ कि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, हेल्थ बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रखी है। काफी लोगों के केस में फीवर भी हो सकता है, कुछ लोगों के केस में हालत उतनी भी खराब हो सकती है आज के आप बोलोगे कि बिस्तर से उठा नहीं जा रहा। तो हेल्थ का खास करके ध्यान रखना है, छोटी सी भी प्रॉब्लम लगे तो डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेंटल स्ट्रगल भी काफी ज्यादा बड़ा हुआ है आपको, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कोई चीज आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान या बॉदर कर सकती है। लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के आज कोई ना कोई एंडिंग भी होगी, यानी कि कुछ ना कुछ खत्म होने के चांसेस भी बने हुए हैं। ये एंडिंग किसी रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें ना एरीज, तो आज का जो दिन है वो कुछ खास अच्छी खबर लेकर के नहीं आ रहा आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो ग्रीन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कार्ड्स आपके लाए हैं क्वीन ऑफ वांड्स एंड 4 of Wands। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका आज का दिन। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हैं, एनर्जी वाइज बहुत अच्छा फील करेंगे। किसी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खास करके अपना घर खरीदना चाहते हैं, है ना। क्योंकि प्रॉपर्टी में तो आप बहुत सारी अलग जगहों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पर आप रहने नहीं वाले हो, लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जो आगे चल करके आपका घर बनेगी, जिसमें आप रहना चाहते हो, उसको खरीदने का जो है आज बहुत ही अच्छा दिन है। उसके लिए अगर आप कोई टोकन अमाउंट देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो, चीज़ें आपके फेवर में आज जाएंगी। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपके लिए। कुछ एक के केसेस में बोल सकती हूँ कि बीपी हाई हो सकता है। जी हाँ, बीपी हाई शूट कर सकता है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत कीजिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, है ना। कलर की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा। राशि यानी कि जेमिनी, कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दी लवर्स। तो आज का दिन तो बहुत ही अमेजिंग दिखाई दे रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्क और लव दोनों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वर्क लाइफ में बहुत अच्छा अमाउंट आ रहा है, कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट से नई खबर अच्छी आएगी आपको, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप जॉब में तो कोई नई जॉब ऑफर हो सकती है, कहीं पे अप्लाई कर रखा होगा तो वहाँ से कन्फर्मेशन आने के चांसेस भी आज बने हुए हैं। वहीं पर शाम होते होते आप अपने पार्टनर के साथ में, इट कैन बी अ लव पार्टनर, इट कैन बी योर लाइक मैरिड पार्टनर, बट उनके साथ में एक अच्छा वक्त बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके साथ में इंटीमेसी लेवल भी काफ़ी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। कुल मिलाकर के दिन पॉजिटिव दिखाई देता है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो रेड कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। कर्क राशि, कैंसर, कार्ड्स आपके लिए आए हैं 10 of Cups एंड पेज ऑफ कॉइंस। ब्यूटिफुल एनर्जी, मतलब आज का जो दिन है आपका उसके अंदर हैप्पीनेस की तो कोई कमी नहीं रहने वाली है। काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, जॉयफुल डे आपका जाएगा। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी एक ऐसी लेडी के साथ स्पेसिफिकली टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको जो अगर आपके रियल में ब्लड रिलेशन में नहीं भी है, फैमिली नहीं भी है, तब भी आप उसको मन से फैमिली मानते हैं। समबडी इज़ दैट इंपॉर्टेंट टू यू, है ना, उनके साथ में काफ़ी अच्छा समय यहाँ पर बिता रहे हैं। कुछ लोगों के केस में आज आप अपनी फैमिली के साथ में छोटी मोटी पिकनिक प्लान कर सकते हैं, उनके साथ बाहर जा सकते हैं, और यहाँ पर पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो है ना, दिन तो अच्छा हो गया, खुशियाँ भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, फैमिली के साथ भी अच्छा समय बिता रहे हो, और क्या चाहिए। तो दिन सुपर पॉजिटिव रहेगा कैंसर आपका। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो ऑफ वाइट कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 आपके लिए लकी रहेगा। सिंह राशि, लियो, कार्ड्स आपके लिए आए हैं 9 of Swords एंड 5 of Wands। आज का दिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चुप रहना है और कोशिश करनी है कि घर में पैक होकर के रह सको तो आज घर के अंदर पैक हो जाना। क्यों हो जाना, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ और डिस्टर्बेंस वाली है कि आपकी किसी ना किसी के साथ लड़ाइयाँ ज़रूर होगी, कोई ना कोई बहस में आप ज़रूर पड़ेंगे। तो क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि लड़ाई होने के चांसेस बने हुए हैं, बहस होने के चांसेस बने हुए हैं, तो अगर किसी के साथ कोई कहासुनी हो भी जाती है या कोई शुरुआत ऐसी होती है, तो मैं
मैं आपको सिर्फ सलाह देना चाहती हूँ कि एक जो है बैक स्टेप ले लेना और वहाँ पर उस बहस को बढ़ाना नहीं है, लड़ाई को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में घातक से हो सकती है। इसमें आपका ही नुकसान मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये लड़ाई जो है आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती है और आपके घर में भी पॉसिबल दिखाई दे रही है, तो दोनों ही जगह पे खतरा है। तो इसीलिए मैंने बोला कोशिश कीजिए आज मौन व्रत धारण कर लो, किसी से बातचीत ही नहीं करनी, बातचीत नहीं करोगे तो लड़ाई नहीं होगी, है ना। लेकिन आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अपने शब्दों का जो चयन है आज आपने बहुत सोच समझ के करना है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो स्काई ब्लू कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूं तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। वर्गो कन्या राशि, कार्ड्स आए हैं द हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ कप्स। ये जो चोरी चोरी छुपके छुपके अगर कोई प्यार चल रहा था तो उसका जो है आज सामने आना हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी से मन मन में छुप छुप के प्यार कर रहे थे तो आज आपका जो सामना है उनके सामने हो सकता है, आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हो। और हो सकता है कोई और आपसे छुप छुप के प्यार कर रहा था, वो भी आगे बढ़ करके आकर के अपने प्यार का इजहार आज आपसे कर सकता है। मेडिटेशन करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। कोई भी अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं तो मंदिर की अगर विजिट करना चाहते हो, अपने किसी गुरु को मानते हो उसकी विजिट करना चाहते हो, मंदिर में जाकर के दान पुण्य करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी जो दिन है वो काम को लेकर के उतना फोकस ना दिखता हुआ, धर्म को लेकर के, दान पुण्य करने को लेकर के ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज आपकी कहीं ना कहीं टेम्पल विजिट ज़रूर लिखी हुई है। अगर आप ऐसा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो दान पुण्य ज़रूर करें। खास करके खाने की चीज़ों का जो है आपने वितरण करना है, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें बांटिए, कैश देने की किसी को कुछ खास जरूरत नहीं है। ऐसा करने से आप अपनी वेल्थ में ही कमी लेकर के आते हैं, तो आपने पैसे नहीं बांटने हैं यहाँ पर। खाने पीने का आइटम जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपने प्यार से मिलने के लिए कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैवल बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटेड है आज के दिन के लिए। दिन अगर हम बात करें ऑल ओवर जो है काफ़ी प्रोडक्टिव और अच्छा जाने वाला है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो ब्राउन कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 2 आपके लिए लकी रहेगा। लिब्रा यानी कि तुला राशि, कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड एंड द डेथ। कोई ना कोई चीज़ आज आपकी लाइफ में एक कंप्लीट सर्कल पे आ गई है, यानी कि किसी ना किसी चीज़ का अंत आज निश्चित दिखाई दे रहा है। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, लाइफ में कोई सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिस पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और फाइनली अब ये फिनिशिंग जो है उस वाले दौर पर पहुँच गया है और उसको ख़त्म होने के बाद में आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलना है, आपके इस काम को एक नई पहचान मिलेगी। तो यहाँ पर सराहना मैं बोलूँगी हो रही है, तो दिन अच्छा है। इसको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेना है कि कुछ एंडिंग होने वाली है, कुछ खराब नहीं, कुछ कंप्लीशन पे, यानी कुछ पूरा होने वाला है, खत्म नहीं हो रहा, पूरा हो रहा है एक तरीके से। तो दिन यहाँ पर अच्छा जाने वाला है। आप आने वाले समय के अंदर इंटरनेशनल जो है ट्रैवल की प्लानिंग कर सकते हो, तो यहाँ पर उसको लेकर के भी आज जो है आपकी लाइफ में चर्चा हो सकती है। डेथ का कार्ड इंडिकेट करता है कि कई बार आपके खुद के अंदर के जो डर होते हैं, जो फियर होते हैं, वही आपको डरा रहे होते हैं, तो वो आपको जरूर थोड़ा सा हॉन्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ओवरथिंकिंग भी उसको लेकर के आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। रिश्तेदारी में किसी की डेथ की न्यूज़ मिल सकती है, वहाँ पर आपको जो है विजिट करनी पड़ सकती है, जाना पड़ सकता है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो येलो कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 7 आपके लिए लकी रहेगा। स्कॉर्पियो कार्ड्स आपके लिए आए हैं 7 of Wands एंड पेज ऑफ Wands। एक्स्ट्रा मेहनत करवाने वाला दिन है, मतलब जितनी मेहनत हम बोलते हैं कि अगर एक बार जाने से काम हो जाता है तो आज आपको 7 बार भी जाना पड़ सकता है उस काम के लिए, इस तरीके का दिन दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रहेगा, शाम होते होते फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन खुद पे अगर आप थोड़ा सा भी संयम पाए रखेंगे तो ये एक दिन की एनर्जी है ये भी निकल जाएगी। लेकिन आपको बहुत ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पर आपको लग सकता है कि मतलब आप अपने पेशेंस बिल्कुल लूज़ करने वाले हो और किसी ना किसी पर चिल्ला दोगे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर बनाए रखें। शाम होते होते अच्छा समय जो है आपको ज़रूर देखने को मिलेगा फैमिली के साथ में, बच्चों को लेकर के आप किसी क्रिकेट मैच को देखने के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर जा सकते हैं। कलर की अगर हम यह बात करें तो ऑरेंज कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कार्ड्स आए हैं दी एम्प्रेस एंड 9 of Coins। सेजिटेरियस आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है आज। आज का दिन मनी फ्लो आपका बल्लिया लाइफ में बहुत ज़बरदस्त लेकर के आ रहा है, पैसे के कोई कमी नहीं रहने वाली। मतलब मुझे लगता है कि वो कोई बहुत मोटा अमाउंट, आपने कोई पास्ट में भी रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उसकी कोई पेमेंट आनी थी आज आपकी, तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में आज क्रेडिट हो जाएगी और ये पेमेंट काफ़ी अमेजिंग वाला अमाउंट दिखाई दे रहा है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपकी जो मदर है वो आपसे दूर रहती है
चाहिए, तो मुझे लगता है आपकी मदर को आपकी ज़रूरत है। अगर दूर रहती हैं तो उनसे फ़ोन करके उनके हालचाल आज आपने ज़रूर पूछने हैं, और हो सके जब आपकी ये पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए, ये जो पैसा मैं बता रही हूँ ये किसी के केस में, मतलब हर एक के केस में ना अलग अलग तरीके से आ सकता है ना, क्योंकि हर इंसान का काम अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इस पैसे से आपने अपनी माता जी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदना है, उनको गिफ्ट कीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका शुक्र भी बलवान होता है, पैसे जो है धन माया और आएगी इससे आपके पास में। कलर आपके लिए लकी रहेगा ग्रीन एंड गोल्डन। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। पैसा तो बहुत है आपके पास में, लेकिन आप हैं कि उसको छोड़ के राजी नहीं है। इन्वेस्ट कीजिए उस पैसे को, इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन आज आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आप डुअल माइंड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक मन कर रहा है आपका कि मैं इन्वेस्ट कर दूं, दूसरा मन कर रहा है कि नहीं, इस पैसे को मैं अपने पास ही जो है संजो के रख लूं। तो पैसा रखे रखे कभी नहीं बढ़ता, मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको आपको इन्वेस्ट ही करना चाहिए। तो इस डिलेमा से बाहर निकलिए, इस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, खास करके अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। पर्सनली इमोशनली थोड़ा सा आज लो फील कर सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बट दैट कैन बी मैनेज। ठीक है जी। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो डार्क ब्लू कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 4 आपके लिए लकी रहेगा है एक्वेरियस। कार्ड्स आपके लिए आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। कई बार जिंदगी में हमको ऐसी फीलिंग आती है कि आसपास में सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ओके है पर फिर भी मन खुश नहीं है। पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ बढ़िया दे रखा है भगवान ने, लेकिन खुशी नहीं है। तो ऐसा ही कुछ ओवरथिंक करते हुए मुझे आज आप नज़र आ रहे हैं। आपको लिटरली एक थॉट आ सकता है कि सब कुछ ओके है यार, पर मेरे को ना लाइफ जीने में मज़ा नहीं आ रहा। तो ये थॉट कई बार जब हम पे हावी हो जाता है तो हम ऑटोमेटिकली सैड फील करने लगते हैं, ओवरवेलमिंग वाली सी फीलिंग होने लगती है, छोटी छोटी बात पे आप टची हो जाते हो, कोई भी आपको कुछ बोलेगा आपको बुरा लगने लग जाता है। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे आज आपके लिए दिखाई दे रही हैं। काम को लेकर के छोटा मोटा ट्रैवल इंडिकेटेड है जो पॉसिबल दिखाई देता है, बट पर्सनल तौर पर आप मुझे थोड़े से डिससेटिस्फाइड और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही गुम दिखाई दे रहे हो। इस तरीके की एनर्जी की किसी से बात करने का आपका नहीं करेगा और खुद के साथ ही समय ज्यादा बिताएंगे। कलर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पीच कलर लकी रहेगा। नंबर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा पाइसेस यानी कि मीन राशि। कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, फाइनेंशियल लॉस भी देखने को मिल सकता है जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि इस तरीके का कोई नुकसान आपको हो सकता है, इसीलिए शॉकिंग लॉस होगा मैं बोल सकती हूँ। कोई फैक्ट्री वगैरह आपकी है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना भी यहाँ पे दिखाई देती है। रिश्तों में भी यहाँ पे मुझे दरार दिखाई दे रही है, सेपरेशन दिखाई दे रही है कि कुछ केसेस में अगर बहुत टाइम से सिर्फ लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो आज आप उनसे सेपरेट होने का डिसीजन ले सकते हैं। ऑलरेडी कोई केस चल रहा था सेपरेशन का या डिवोर्स का, तो यहाँ पर आज जो है वो फाइनल भी हो सकता है। कलर की अगर हम यहाँ बात करें तो रेड कलर लकी रहेगा। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 5 आपके लिए लकी रहेगा। तो ये था आपका आज का डेली टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।